कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान, हमारे कब्जे में इस वक्त तुम्हारी जान। इंस्पेक्टर नागपाल को हमारे साथ देखकर सारा खेल तुम्हें समझ में आ गया होगा। हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं कैप्टन, जो हमें मिटाने का ख्वाब देखते हैं हम उन्हें नींद में से जागने से पहले ही मौत की नींद सुला देते हैं। लेकिन मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती करोगे। इस वक्त मैं वो कैप्टन अर्जुन सिंह नहीं जो तुम्हारा दुश्मन था। जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज को प्यार करने वाला वो कैप्टन अर्जुन सिंह अब मर चुका है। गद्दारी के झूठे इल्जाम ने मुझे बागी बनने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम के खिलाफ जंग छिड़ने के लिए फरार हुआ हूं मैं। अब तुम चाहो तो मुझे अपने गिरोह में शामिल कर सकते हो। हम तुझे अपना साथी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी बड़े लीडर या पुलिस वाले का खून करके अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। एक बार एक तबाइब की बात पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन इस जैसे पुलिस वालों की दोस्ती पर नहीं। हम लोग इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करते, लेकिन सिस्टम के खिलाफ तुम्हारे अंदर की आग को देखकर मैं कायल हो गया। आज से तुम हमारे साथी हो। आजाद भाई, घबराइए मत आजाद भाई, मैं अपने साथ फौज लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाने आई हूँ। जो जुल्म आपके साथ हुआ था उसकी जिम्मेदार यहाँ की पुलिस नहीं बल्कि सुल्तान बलूची और ताया अब्बू है। साहब ये तस्वीरें देखिए, आप जानते हैं इसे? ये तो होम मिनिस्टर साहब का बॉडीगार्ड है, नाम है नूर मोहम्मद आजाद। अगर ये नौजवान हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए तो हमारे बहुत काम आ सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? मेरे दिमाग में एक मंसूबा है। अगर इस नौजवान के खानदान वालों को पुलिस वाले मार दें तो इसके दिल में पुलिस और इस देश के लिए बहुत नफरत भर जाएगी, और इस मौके का फायदा उठा के हम इसे बागी बना लेंगे और अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे। मैं आपका प्लान समझ गया। मानी वो पुलिस वाले असली पुलिस वाले नहीं होंगे बल्कि आपके आदमी होंगे। बिल्कुल जनाब, यहाँ के नौजवानों को बागी बनाकर अपनी जंग में शरीक करने के लिए हम अक्सर ऐसा ड्रामा करते रहते हैं। बस बाहर से आपके आदमियों की जरूरत होगी। हमारे पास आदमियों की कोई कमी नहीं, जितने आदमी चाहिए आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर स्टेट को हिंदुस्तान से काटकर हम अलग कर देंगे। आजाद के घर जाकर उसकी आंखों के सामने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। एक बात ध्यान रहे, आजाद को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू झूठ बोल रही है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसके पीछे किसकी चाल है। कैप्टन तूफान, तूफान ने भेजा ना तुझे, मगर वो क्या समझता है तेरी इन बातों में आकर मैं अपने ही लोगों के साथ बगावत करूंगा? कभी नहीं। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर बोल रही हूँ आजाद भाई, आपके खानदान का खून सुल्तान बलूची और ताया